भाई भुवन बाम की तरह लग रही हूँ मैं। सी लुक एट माई हेयर, डोंट यू थिंक दैट आई एम लुकिंग लाइक भुवन बाम? हे फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं तो मतलब ऊपर आई हूँ और तब तक शायद माँ बाबा भी तैयार हो रहे हैं बाहर मार्केट जाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं अभी उठ चुके हूँ और अभी ऊपर से नीचे आई हूँ एडिट वगैरह सारा सब कुछ करके, और आते मैंने देखा कि हमारी बुआ सभी के सभी तैयार हो चुके हैं। अब देखो हमारा पुसा है तो पूरा तैयार हो चुके हैं अब जाने के लिए, ब्रेकफास्ट भी कर चुके हैं। और ये रहा, अभी भी मतलब हमारे घर में पुसाई सबसे पहले निकलते हैं और बुआ सबसे लेट में, अभी तक वो तैयारी नहीं हुई है। और क्या राहुल, अच्छा खाने का, अच्छा खाने का। और क्या बोला, स्पाइसी नहीं खाने का, यहाँ ऑर्गेनिक नहीं मिलता है। अब मैं बैठ रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो सारा सब कुछ अभी राहुल मुझे सर्व कर रहे हैं। ये रहा पनीर, आलू की सब्जी एंड रोटी और ग्रीन टी, दो ग्रीन टी दो। सो अब मैं, मुझे तो कुछ और खाने को तो मिल नहीं रहा है, बाकी सभी लोगों ने चावल वगैरह खा के जा रहे हैं, क्योंकि पहले ही अभी यहाँ पे हमारा चावल बन चुका है आज, क्योंकि आज मतलब बुआ लोग जाने वाले हैं, तो लोगों को अच्छे से खिला विला के अब निकालना निकालना है घर से, तो इसलिए अभी मैं ये रोटी ले रही हूँ। राहुल ने क्या खाया? जाने के लिए अभी सामान देख के तो इनका भी आंखें फटी से फटी रह गई, बहुत सारे सामान रह गए इनका। चलो ओके, बाय बाय बाय। माँ बाबा भी जा रहे हैं कालिम्पोंग, झोला लेके जा रहे हैं कालिम्पोंग। रातो दादी भी जा रही है कालिम्पोंग। दादी भी जा रहे हैं, दादी दरवाजे तक जा रहे हैं। अब कब? मतलब अगले महीने, अगले महीने हुन्छ आमा भाइ, ल बाय बाय, ठीक है आप कब बुलाओगे तभी आएंगे। ठीक है ठीक है, हाँ हाँ, बाय बाय। तो अब सभी जा चुके हैं घर, फिर से खाली हो गया, अभी सिर्फ मैं और दादी ही हैं घर पे। अभी दादी भी अभी थोड़ी देर में निकलेंगे। घर के सारे लोग जा चुके हैं, बुआ और बुसाई तो जा चुके हैं घर के लिए, निकल चुके हैं मतलब घर से, और माँ बाबा गए हैं थोड़ा स्टेशन मार्केट थोड़ा सब्जी लाने के लिए, और मैं और दादी ही घर पे हूँ। तो दादी तो शायद अभी टीवी देख रही है, और मैं आई हूँ किचन पे अपना रोज का काम, रोज का लंच बनाने के हिसाब से। देखिए राहुल ने क्या हालत करके रख दिया है, उसको मैंने बोला था कि जब तक मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ तब तक तुम सब्जी काट के रख दो, तो ये सब्जी का हालत उन्होंने कुछ इस तरीके से मेरे हेल्प करके गया है। इनका ये हेल्प समझू या मेरे लिए काम बढ़ाना समझू, मतलब उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ के चले गए हैं। लाइक अब ये उन्होंने मेरे लिए हेल्प करा है या फिर मेरे लिए और ज्यादा काम बढ़ाया है, वो सिर्फ वो ही जानते हैं। अब इसको मैं साफ सफाई कर लूं। ये सिर्फ, इट इज नॉट अबाउट ओनली राहुल, ये जितने भी हस्बैंड है ना, तो उन सबके मतलब मुझे लगता है कि वो लोग तो सोचते हैं और हम भी चाहते हैं लाइक यू नो हस्बैंड हमारी हेल्प करे,
पर जब हेल्प करने के लिए देते हैं तब समझ में आता है भगवान हमने इतनी बड़ी गलती क्यों कर दी कि हमने उनपे हेल्प करने के लिए बोला, क्योंकि वो हेल्प तो करते हैं पर आधे से ज्यादा काम बढ़ा के रख देते हैं। जैसे अभी मेरे हस्बैंड ने करके गए हैं, यहाँ पे सब्जी काटने के लिए दिया, मैंने उनको बोला तुम छोटे छोटे करके गोभी को काटना है, पर उन्होंने मतलब जैसे तैसे मतलब काटना है तो बस काट के रख दिया। ही कम्स टू हेल्प मी बट बाद में फिर सोचती हूँ ना, सोचने के बाद फिर रहने तो मैं खुद कर लूँ, क्योंकि ऐसा लगता है शायद ये सिर्फ मेरे हस्बैंड के साथ नहीं, बाकी जितने भी हस्बैंड हैं उन सबके साथ। हम चाहते हैं, हम वाइफ चाहते हैं कि वो हमारी हेल्प करे, बट लेटर हम लोग खुद रिग्रेट करते हैं कि अब हेल्प बस रहने दो, हमारी हेल्प करने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही अपना हेल्प कर लेंगे। सो अभी ये ऑलमोस्ट काटना हो चुका है मेरा, जिन्होंने काट के रख दिया था उसको मैं दोबारा और छोटा छोटा कर रही हूँ, जो बड़े बड़े पीसेस उन्होंने करके रखे हैं यहाँ पे। सो अभी माँ बाबा आ चुके हैं मार्केट से धनिया ब्रोकली लेकर आए हैं, और ये पूरा ये अच्छा किया, ये बीट गाजर और क्या क्या लेकर आए, आलू, आलू फिर से है तो आलू बहुत ये क्या आया, बेसन लेकर आए हैं पकौड़ी खाने के लिए। अब मैं बना रही हूँ उन लोगों के लिए चाय, बस बन के तैयार। सारा खाना वाना बनाना मेरा हो चुका है, अब बस एक ही चीज रह गया है और वो है ये बनाना भी बाकी रह गया है। सो माँ ने बोला था, पापा का भी डिमांड है कि आज वो बैगन का पकौड़ा वगैरह खाने के लिए, तो यहाँ पे मेरे बैटर बनके तैयार है, बस तलना बाकी रह गया है, तो गरम गरम सबको भी परोसने वाली हूँ मैं। भुवन बाम की तरह लग रही हूँ। See, look at my hair. Don't you think that I'm looking like Bhuvan Bam? So finally हमारा खाना वाना सारा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, मैं तैयार होकर अभी हम निकलने वाले हैं पोस्ट ऑफिस, हमारा कुछ काम रह गया था तो चलते हैं और जाके देखते हैं कि अभी तक खुला हो रह पाएगा कि नहीं, जो काम के लिए हम जा रहे हैं वो हो पाएगा कि नहीं। योर वॉलेट तुम्हारा वॉलेट मैंने कहाँ रखा तो है। ओह रियली, वॉलेट या अलमारी में था, अलमारी ऐसा ही होता है। राहुल अपना कोई भी सामान ठीक से कहीं भी नहीं रखते हैं, नो वेयर। भी आओ आके वहीं पर ही फेंक के चला जाते, और मैं भी अब तंग आ चुकी हूँ, मुझे भी अब अच्छा नहीं लगता। मिला, वेरी गुड। तो फाइनली उसका वॉलेट मिल गया है, तो अब हम निकलते हैं घर कह रही, सॉरी, अब हम निकलते हैं काम के लिए, देखते हैं कि वो काम हो पाएगा कि नहीं। इतने बजे तो निकल जा रहे हैं अभी। लो अम्मा बाय। एक काम हमारा ऑलमोस्ट हो गया है, अब दूसरे एक और काम बाकी रह गया है, तो अब चलते हैं उस काम की तरफ। वो सारा काम कर लेने के बाद फिर हम जाएंगे घर, जाके फिर सब छोटा सा नैप लेंगे उसके बाद। हम दो काम के लिए गए थे, दो काम में एक काम तो हम लोग हमारा हो गया, बस एक ही काम रह गया था वो नहीं हो पाया, क्योंकि जिस दुकान पे हम लोग जा रहे थे वो दुकान बंद पड़ा था। तो वापस हम घर आ गए, तो घर आके अब डेफिनेटली आप सभी को मालूम है कि हम क्या करने वाले हैं, तो चलो वही कर लेते हैं, फिर शाम को हम आप लोगों से मिलते हैं। कल देखा था आप लोगों ने, राहुल मेरे लिए मूढ़ी लेकर आया था, तो आज लेकर आया है पॉपकॉर्न और ग्रीन टी। करना है क्या, बैठे बैठे खाना है, रस खाते रहो। और हाँ, कोई मूवी देखूंगे थोड़ी देर में, पॉपकॉर्न के साथ मूवी अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे बेड पे बैठी थी तो अचानक ये आए और यहाँ पे आके बैठ गए, और इसके हालात देखो, ये मोबाइल के सिवा और कुछ देखती नहीं है। क्यों, फिर भी इधर देखो, बैठे हो, मोबाइल के सिवा कुछ खाता नहीं है, एबीसीडी भी नहीं आती,
आज ट्यूशन नहीं गए तुम? इधर देखो ना, इधर देखो ना कैमरा में, तुम ट्यूशन नहीं गए? क्यों? यू डोंट नो व्हाई यू डोंट नो? बस ये देखो कितनी मस्त हो रखी है अभी मोबाइल में, तो कुछ मतलब कोई टेंशन नहीं है इन लोगों को। सो आज मेरा डिनर कंप्लीट हो चुका है, और इनफैक्ट आज तो मैं नीचे आई नहीं, तो सिर्फ खाने के लिए मैं नीचे आई, और जितना भी डिनर का प्रिपरेशन था वो सारा सब कुछ आज माँ ने ही बनाया था और उस खा भी ले अभी तक तो मैंने। तभी बस मैं भी पानी गर्म कर रही हूँ, पानी गर्म कर लेने के बाद थोड़ी सी बाहर अंदर ही मैं टहलूँगी और फिर जाऊँगी बेड पे। और ये देखो राहुल ऊपर की तरफ खाना वाना खा के भी जा रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं अभी। तो अभी तो जस्ट मैं पानी पी रही हूँ। सच बताऊँ तो मतलब ब्लैंकेट के अंदर शाम को, अगर ब्लैंकेट के अंदर हो तो निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आज मैं शाम को निकली ही नहीं। ठंडी में तो सिर्फ खाने के वक्त ही मैं निकली हूँ अभी, और खाना वाना खा के थोड़ा सा टहल रही हूँ और साथ ही साथ पानी भी पी रही हूँ। सो फ्रेंड्स अभी मैं हम खाना वाना खा के आ चुके हैं, एंड अभी सोने के लिए आई थी कि तो राहुल अभी मेरे कॉम्ब कर रहे हैं, साथ ही ऑयलिंग भी कर रहे हैं। ये देखो दिस इज हाउ ही इज हेल्पिंग मी। है ना, आपको कुछ कहना है राहुल? क्या कुछ नहीं कैसा चल रहा है। सो दिस इज हाउ ही इज कॉम्बिंग माई हेयर। कुछ बना तो नहीं पाएंगे ऐसे, कुछ ब्रेड्स वगैरह नहीं बना पाएंगे, तो मैंने उनको बोला कि तुम ऑयलिंग ही कर दो। अब मैंने ऑयलिंग करने के लिए बोला, पता नहीं वो क्या ढूंढ रहे हैं भाई। थोड़ा सा चम्पी कर दो, चम्पी शांति मिलेगी, मुझे शांति मिलेगी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। सुन अरे बाबा सुन, साथ चलो के ना 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 काहे दीगा मा जाते दीगा मा दीगा मेसी कर दे दादा। सुन ए माथा मते चंपीटा करन मत टक के करते ना तेल तेल टक 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 करे। हाउ मच डज इट कितना लेते थे चंपी करने की? 40-50 रुपए वाला। तो मुझे दीगा लेके चलो तो मैं पूरा चंपी कर दे दे दे। जमा आईले ना 2017 might be 17 mala 2017 and 15 15 16 mala the next gate dada boshun dada delta dilam doctor doctor eja dar kemon lagto se bhal lagto se thik ache tapore next gate next ache tapore tar gana shuru hoyta ab tapore gana next gate gana shuru korte sun ane oh my god lakh ko dukho ki rene kahe ghabrai kahe ghabrai मजा आ रहा है ऐसा रोज मिले तो दिखा मैं सीधी कर दी। दिस इज व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ, चंपी कर दिया है, अभी मुझे चंपू बना रहे हैं। किस साइड से कर रहे हो? वैसे तो लग रहा है। चलो रेडी। वो चंपी वाला पता नहीं कैसे, थैंक गॉड ताजा खबर वाली नहीं दिख रही, शौचालय में सोच में। देखो मेरे बाल बहुत पतले हैं। चलो रेडी फिट आ जाओ, अब मैं तुम्हारा कर दो काम। शांति शांति मतलब बहुत ही तुम्हारा। चलो अब मैं राहुल का कर देती हूँ, उन्होंने हैंड इन लैंड तो बनता है ना, उन्होंने मेरा कर दिया तो मैं भी उनका कर दूँ थोड़ी बहुत। अब वो जैसे चंपी किया मैं वैसे नहीं करूंगी, मैं और भी अच्छी तरीके से करूंगी। बस उन्होंने मेरे सर पे तेल लगा दे, बस कॉम्बिंग ही करते रहे और कुछ नहीं किया। खा लो पकड़ा। अब मैं इनका चंपी कर रही हूँ, इन्होंने मेरा उतना अच्छी तरीके से नहीं किया, बस तेल लगा दिया और कंघी फेर दी सर पे। इनका भी बाल उखड़ रहा है, बहुत गिर रहा है बाल इनका। बहुत अच्छा था ना तुम्हारा बाल यहाँ पे, तभी है ही नहीं। डोंट वरी तुम्हारे रोज बाल सब गिर गए।
बाल सब गिर गए। सो फ्रेंड्स, दोनों का ही हम लोगों ने एक दूसरे का चंपी कर दिया है, अब हम जा रहे हैं सोने। सो आज का ब्लॉग मेरे यहाँ तक ही है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर टुमॉरोज़ वीडियो। बाय बाय।